खबर अलवर के बानसूर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में नगरपालिका को कई सौगातें तो दी, लेकिन बानसूर में नगरपालिका राजनीतिक अड्डा बन गई है। तो वहीं दूसरी ओर नगरपालिका में जिन गांवों को नहीं जोड़ा गया, वहां के लोगों की नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। इसको लेकर बानसूर के पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश्वर शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने बताया कि नगरपालिका की घोषणा आनन फानन में की गई, इसमें नगरपालिका का स्वरूप बनाने में जाति विशेष का ध्यान रखा गया है। इस पर विधायक शकुंतला रावत ने कहा कि बानसूर की जनता के साथ कोई धोखा या फिर कोई जातिवाद नहीं किया गया, सभी गांव वर्गों को साथ में लेकर नगरपालिका से जोड़ा गया है। और दूसरी ओर नगरपालिका में सम्मिलित गांव डोडिया का बास के लोगों ने गांव में जोड़ने की खुशी में फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक शकुंतला रावत का सम्मान किया। जैसी मन की भावना होती है वो वैसा ही बोलता है, क्योंकि अभी तक आप ये फोर्थ श्रेणी वाली बात कर रहे हैं ना, भैरोड देखिए कितने दिन हो गए बने हुए, आज भी वहाँ फोर्थ श्रेणी की है। तिजारा देखिए कितने दिन से बनी हुई है नगर पालिका, वो भी फोर्थ श्रेणी की है। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यहाँ की जनसंख्या और उसके आधार पर ग्रेडें अपडेट होती जाएंगी, और जो राष्ट्र का नाम लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने किसी तरीके का इस तरीके का भेदभाव नहीं किया है। अब उन्हें हो सकता है कि किसी कास्ट से अगर कोई द्वेषता हो तो उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती कि उन्हें कौन सी कास्ट से द्वेषता है। कास्ट की बात नहीं है, नजदीकी जो ढाणी गांव को छोड़ करके दूर दराज के गांव को लिया गया। बानसूर के नजदीक जो भी गांव ढाणी थे, अधिकतर सारे गाँव ढाणी आ गए हैं, क्योंकि जो नाम दिया गया है लिस्ट में वो सिर्फ राजस्व गाँवों का नाम दिया गया है, ढाणियों का नाम नहीं दिया गया है। अगर आप उसकी तय खोल के देखेंगे तो सारी ढाणियां उसमें इंक्लूड है नगर पालिका। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।